लखनऊ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव तीन मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इन तीनों मंत्रियों को टिकट नहीं मिला है। राम गोविंद, अरविंद सिंह गोप और पवन पांडे के साथ ये बैठक हो रही है। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बताइए कि इस बैठक में टिकट कट गया है तो जाहिर सी बात है बात तो उस पर हो रही होगी, आगे की रणनीति भी बन रही है क्या? देखिए हाँ, आगे की रणनीति जरूर बन रही होगी। और मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव जब अपने बुंदेलखंड के दौरे से लौटे हैं तो उसके बाद ही राम गोविंद चौधरी के घर गए हैं। राम गोविंद चौधरी को उन्होंने घर से लिया है, अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बाद पहुंचे हैं ये अपने 5 KD सरकारी आवास पर। वहां पर पवन पांडे को बुलाया गया है, वहां पर अरविंद सिंह गोप को बुलाया गया है। इन तीन लोगों के अलावा जो इनके युवा समर्थक हैं उसमें से अतुल प्रधान, वो भी वहां पर मौजूद है 5 KD पर। और इन सब के साथ बैठ करके सीएम मंत्रणा कर रहे हैं। राम गोविंद के समर्थकों ने उनके टिकट काटे जाने के खिलाफ नारेबाजी भी करी है। तो ये सारी स्थितियां चल रही, देखते हैं कि किस ऊंट करवट बैठता है, कौन सा ऊंट करवट ऊंट बैठता है, ये देखना होगा। बहरहाल अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के सामने विकल्प केवल यही है कि वो मुलायम सिंह यादव से बात करें और जिन लोगों का वो चाहते हैं कि उनको उनको टिकट दिया जाए उसके बारे में बातचीत करें। लेकिन मुलायम सिंह ने जिस तरह से आज अपना तेवर दिखाया, उसे लगता नहीं है कि टिकट पर वो कोई बहुत दोबारा से कोई विचार करेंगे। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को जहां तक है उनके पास सिर्फ अभी यही विकल्प बचा है कि या तो वो मुलायम सिंह के पास जाकर कंप्रोमाइज करें और ये किसी तरह से अपने समर्थकों को वो टिकट दिला दें, और नहीं तो फिर उनके सामने सिर्फ एक रास्ता रहता है, वो ये कि जो टिकट जारी किए गए हैं उनको वो मान लें। क्योंकि अखिलेश यादव की सूची भी अब मीडिया में आ चुकी है, जो सूची उन्होंने मुलायम सिंह यादव को सौंपी थी। और उन दोनों सूचियों को हम टैली करें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अखिलेश की सूची में थे और ये जारी की गई मुलायम सिंह की सूची में नहीं है। पवन पांडे का नाम उसमें था, राम गोविंद चौधरी का नाम था और भी अरविंद सिंह गोप का उसमें नाम था। ये सारे नाम इस शिवपाल यादव द्वारा जारी की गई सूची में नहीं है, तो जरूर मतभेद है। कम से कम 25 से 30 नाम अभी मैंने देखे हैं जो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की सूची में थे और शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव ने जो सूची जारी की उसमें नहीं है। तो मतभेद काफी बड़ा है और अब देखना है कि अखिलेश यादव क्या करते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह ने तो अपना दांव चल दिया है। अब बारी अखिलेश की है कि वो इसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और अभी वो मीटिंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि कल वो कुछ अपने और समर्थकों के साथ कोई बड़ी मीटिंग करें, कल उनका लखनऊ में प्रोग्राम भी है। लेकिन अखिलेश यादव का रुख क्या होता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में अपने समर्थकों के नाम काटे जाने पर सीएम अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। अखिलेश ने कहा कि जिन जिताऊ प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं उनके बारे में वो एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से बात करेंगे। झांसी पहुंचे एक कार्यक्रम में सीएम अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया और जीत सकते हैं उनके नामों पर फिर से विचार किया जाए। आपको बता दें कि आज ही एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों का ऐलान किया जिसमें अखिलेश के कई करीबियों का टिकट काटा गया है। जानकारी के बाद कि ये जीत सकते हैं और उन नामों पे चर्चा हो, वो नाम मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिए थे। अभी नई सूची आई है, कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी शायद टिकट कटी है। मैं फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि ऐसे लोग जिनकी जिन्होंने काम अच्छा किया है, जो अपने क्षेत्र में जीत सकते हैं, उनकी दोबारा विचार किया जाए उन पर।